मतलब यहाँ का पहाड़ का मौसम है, सुबह शाम ठंडा है बहुत ज़्यादा, तो सबसे लग रहा है कि भैया जैकेट वैकेट पहननी पड़ेगी, लेकिन दिन में गर्मी इतनी है कि दिन में टी शर्ट पहन के काम चल रहा है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल जो सरप्राइज़ था, वो सरप्राइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ थंबनेल और आपको टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मतलब क्या है। हम लोग अभी हैं अपने घर में, पुराने घर में, पापा मम्मी लोग अभी चाय पी रहे हैं, निहारी का भी तैयार हो गई है, दिवस आया हुआ है, तो ये सामान कुछ पैक किया हुआ है। दो तीन दिन सामान तो जा ही रहा है, लेकिन ये था कि अभी है, लेकिन हमारा जो अभी नया वाला घर है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं उधर और आज करते हैं वहाँ की तैयारी। तो सामान की तरह आ रहा है, एक कंधा, एक कंधे, एक हाथ का कैमरा, एक कंधे में एक झोला, एक पिट्ठू बैग, साथ में डंडा है जो मतलब डंडा लगाने के लिए कल मैंने काटा था, देखो बहुत बड़ा है वो आगे तक। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी पहले गैराज बनाने की सोची थी गाड़ी रखने के लिए सामने ही रोड पे गांव, क्योंकि हमारा है ना करीब 2.5 किलोमीटर पड़ जाता है पैदल पैदल, तो ये हमारे गांव का ग्राउंड है, नीचे पे बच्चे बनाने लग गए हैं, जहाँ क्रिकेट होता है वहाँ से बॉल मारता है बंदा, हाँ टेम्परेरी क्लोज है, उस दीवार के ऊपर छक्का है सीधे, और वो जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं उस साइड में उससे भी नीचे छक्का है, मतलब चारों ओर बाउंड्री बना रखी है। टूर्नामेंट भी होते हैं यहाँ पे, मतलब कॉस्को की बॉल से, बहुत फैला फैला एरिया है, तो मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में भी। वहाँ पे एक नौला है पानी का, जिससे पिच में मतलब अगर नमी चाहिए हो तो नमी कर लेते हैं आराम से, जो भी चाहिए होता है। दिवस ये दिवस हमारा फास्ट, दिवस हमारा फास्ट बॉलर है रबाडा, रबाडा नहीं वो हमारा कौन था, शुभम का था, डेल स्टेन है, शुभम डेल स्टेन था, रबाडा था वो सामने वाले मकान में रहता है, रबाडा सामने वाले मकान में रहता है। दिवस मतलब समझ लो आप इरफान पठान हो गया दूसरा, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, हम हो गए अनिल कुंबले पुराने वाले स्पिन बॉल डालने वाले, तो मतलब हाँ तो ऐसा मतलब कुछ यहाँ का ही मिहल का पेड़ है, मतलब काफ़ी खूबसूरत है पहाड़, मज़ा आता है यहाँ मतलब रहने में। अब क्या मजबूरियों से हैं, ये जंगली सुअरों का आतंक दिखाता हूँ आपको, देखो जंगली सुअरों ने क्या क्या कर दिया, पूरा ये पूरा खेत खोद दिया, देखो ये पूरा ये खेत खोद दिया, ये देखो इतने सारे जंगली सुअर आते हैं रात के टाइम पे, यहाँ पानी वानी पीने आते होंगे ना, तो यहाँ पूरा खोद के रखा हुआ है ये पूरा रास्ता, तो यहाँ मज़ा आता है, लेकिन मजबूरी की वजह से हमको नौकरी करनी पड़ती है बाहर, तो मोस्टली पीपल ने रोड के किनारे मकान लगा दिए। हाँ ये देखो नौला बहुत गंदा हो गया, ये भी साफ करने का प्लान है एक। तो ये हमारा रोड साइड मकान, कल तक मैंने इसमें लगाई थी पताका जो होती है रंग बिरंगी आम के पत्ते, ऐसे चारों ओर लगाए थे, मैं 3-4 दिन से इतना ज़्यादा बिजी हूँ तो इस बार कहीं घूमने नहीं जा पा रहा, तो इस बार इसी घर के चक्कर में लगे हुए हैं, थोड़ा स्पेस पीछे छोड़ा है गार्डनिंग गार्डन करने के लिए। वैसे हमारा मेन मकसद था, अभी मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊँगा क्योंकि मेरे बहुत काम है, हमारा मेन मकसद था कि पहले हम लोग को गैराज माने थे, क्योंकि रहने के लिए तो गाँव में है काफ़ी अच्छा, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत होती है, तो यहाँ पर मैंने ये दो हमने गैराज बनाए हुए हैं, पता नहीं यहाँ पर कौन गाड़ी खड़ी करके चला गया, अभी इसको फ़ोन करना पड़ेगा भैया गाड़ी हटा, तो उसमें एक मेरा कजिन है उसकी गाड़ी है टाटा पंच, जिसमें मेरी वैगनार दो की दो आ गई, क्योंकि रोड साइड है, ऐसे कुछ छत दिखाता हूँ, छत से नज़ारा, तो छत कैसी है, तो छत भी आपको दिखाई दी जाती, तो छत कुछ ऐसी है नज़ारा कुछ आता है, यहाँ से भी अच्छा है, सामने माँ दुर्गागिरी का मंदिर है, इधर धनकल गाँव है, इधर विजयपुर गाँव है, हमारी रोड साइड की ज़मीन थी, तो हमने पार्किंग वार्किंग का मतलब दो गाड़ी बाहर खड़ी हो सकती हैं और दो गाड़ी अंदर गैराज में, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। जिन्होंने हमारा मकान लगाया ये भरतदा, नमस्कार नमस्कार, हमारे मकान का होल सोल पूरी जिम्मेदारी ये भरतदा ने ले रखी थी, तो भरतदा ने लगाया है पूरा मकान, दीपावली सुखान है आपको बहुत बहुत आपको और ठीक करो, बस आज पूछ पाठ सुबह का कारोबार स्टार्ट हो गया है, निहारिका को दिया गया है गडेरी छिलने के लिए, दिन में पंडित जी और हम लोग के खाने के लिए बनेगी गडेरी की सब्जी और पूरी ना, और साथ में कद्दू की सब्जी और रहता, तो निहारिका इतना खाना अकेले बनाएगी 10 लोगों का, तो मैं ये हमारी एक गैलरी निकली हुई है, इस गैलरी में आराम से मतलब 2-3 बाइक आराम से खड़ी सकती हैं, दो पार्किंग
हो गई, अभी मैंने अपनी गाड़ी निकाली है तो पार्किंग दिखा देता हूँ पहले, फिर रूम दिखाऊंगा आप लोग को। तो अभी मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली, तो ये हमारी एक पार्किंग ये होगी, एक पार्किंग हमारी बगल में है, इसमें मेरे कजिन की गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक पार्किंग ये है तो इसमें उसकी गाड़ी खड़ी है, टाटा पर नहीं लेके आया हुआ, तो ये गाड़ी उसकी खड़ी है, तो दो गाड़ी की पार्किंग। और बाहर मतलब ये इतने हिस्से से लेके यहाँ तक हमको और स्पेस मिलता है, तो उस स्पेस में हम लोग मतलब आराम से, ऐसे में ये गाड़ी कभी खड़ी है तो यहाँ पे एक गाड़ी ऐसे खड़ी जाएगी सीधी, और एक ऐसे सीधी खड़ी जाएगी, एक यूँ और एक यूँ, तो दो गाड़ी खड़ी जाएंगी आराम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के रूम, रूम बनाने का पहले मकसद नहीं था, रूम बाद में मतलब देखते देखते बन गया। तो बधाई हो आपको नए घर की। पानी ले, हाँ धन्यवाद। हाँ पानी, पानी लाना है, दो बाल्टी, दो बाल्टी पानी लेके आना है। अभी पानी पर हैंडपम्प है तो पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन तो लग गया। हाँ, अंदर तो मैं सब्जी धोने के लिए है हाँ, नल में। हाँ, तो अंदर का मैं दिखाता हूँ, ये मम्मी ने यहाँ पर एपड़ दी है कल परसों, अभी यहाँ पर कीर्तन है, तो एक रूम ये है ऐसा, और साथ में दूसरा रूम ये हो गया इसमें, तो पहाड़ के ऐसे अभी मंदिर पूजा बना ली है स्टार्ट, तो उसके साथ ये रसोई है, ऐसे तिरछी में ऐसे रसोई, क्योंकि थोड़ा ये खेत थोड़ा टेढ़ा था तो ऐसे यहाँ पर रसोई बन गई, और इधर है इसका वॉशरूम जो अटैच है, छत पर गए हैं, तो एक वॉशरूम, वॉशरूम काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो वॉशरूम में कोई दिक्कत नहीं है, वॉशरूम काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ऐसे किसी से ऐसा लगा रखा है। तो इसी के साथ पूजा स्टार्ट हो गई घर में। और निहारिका ने गडेरी पूरी काट दी है, ठीक है, अब निहारिका सब्जी बना रही है, निहारिका ने बड़े बना दिए हैं पहले, और निहारिका के पास बहुत ज्यादा लोड है काम का, उसमें दूध बन रहा है साइड में, दूध गर्म कर दिए, खीर बना रही है निहारिका में, खीर दूध समझ रहे हैं। तो वहाँ पे और ये पूजा निहारी का यहाँ पे दूध ही आटा, ये हमारी भाभी, ये चाची, सब लोग आए हुए हैं, अभी बहुत सारे और मामा लोग भी आने वाले हैं, वो पहले आए थे, वो बच गए हैं अभी द्वारकी मंदिर, तो उसके बाद वापस जाएंगे। मम्मी ने अपना रिकॉर्डिंग लगा के सब मिलाकर लगाए हैं मंगल मंगल की, साथ में पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं अलग अलग टाइप का, तो जरा मेरे को भी ड्रेसअप चेंज करना पड़ेगा, कुर्ता और धोती पहननी पड़ेगी जब होगा यज्ञ। ऑलमोस्ट पूजा होगी, अब सिर्फ छत पे बची हुई है परिक्रमा वगैरह, और नीचे बहुत सारे गेस्ट भी आ गए, देखो अभी अभी 1 2 3 4 चार गाड़ियाँ और खड़ी हो गई हैं आराम से पार्किंग में। Yeah.
नहीं खा ली है? आपने खाया नहीं क्या? मैंने पहले खा लिया। जो आपकी थाली गटर की सब्जी रायता और गट्टू की सब्जी और खीर निहारिका कैसा हो रहा है बताओ? मेरा बनाया खाना, हाँ मेरा बनाया खाना कैसा हो रहा है? आपने बनाया खा लिया, निहारिका और भाभी खा रही है, पापा ने भी खा लिया, मम्मी ने भी खा लिया। मुझे भूख लगी इतनी तो मैं इसलिए यहाँ वीडियो बाद में बनाऊंगा, पहले खाने में कंसंट्रेट करो। दूसरे का खाना दिखाएंगे अपना नहीं। कम खाना वालों का दिखाना चाहिए, खाना अपने वाले को नजर लग जाएगी। तो निहारिका के लिए काम ज़्यादा हो गया है, चाची के लिए भी और भाभी के लिए। पहले ने लोगों को खाना खिलाया, अभी बेचारे बड़ी फुर्सत पा के चाय पी रहे हैं। कैसा लग रहा है तुमको पूजा में? फिर आया मजा? पास नहीं करी है। अरे तुम्हारी मुंडी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसी बड़ी बड़ी हाथी वाली मुंडी। अभी मम्मी ना मक्का मम्मी के ऊपर डांस कर रही है। गाँव वालों की औरतों को मैंने शर्म आ रही गड़े खड़ी तो हो गई है, उन्हें ऐसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया, तो अब बेचारी डांस करने की कोशिश कर रही है। देखो नहीं, आप बताओ कुछ अपना आशीष दो। हाल चाल सब ठीक है? घर में सब ठीक है? हाँ घर में सब ठीक है। तुम लोगों को देखने की इच्छा हो रही थी, आ गई। उसी देखो विजय देखो आप लोग का आशीर्वाद ही होता है और क्या। तुम्हारा अच्छा हो गया, यहाँ बढ़िया हो गया बेटा, बहुत बढ़िया हो गया। तो ये था इनोग्रेशन हमारे नए वाले घर का। मतलब कल काम इतना बढ़ गया कि अभी मैं सुबह सुबह गया सिलेंडर लेके आया, रात में वहीं रुका था। उसके बाद अभी वहाँ पर और सामान बचा हुआ है तो वो लेके आऊँगा। फिर आज के दिन में हम लोग कुछ नया ब्लॉग बनाएंगे, शायद मम्मी पापा लोग के साथ कहीं जाने का प्लान है, वो देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपके शुभकामनाओं से और आपके प्यार से मतलब एक हमारा ये आज चैनल नया बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।